गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज। कल हमने लाइसोसोम, इससे पहले दो प्रीवियस क्लासेज में हम लाइसोसोम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम उससे आगे का पार्ट आज डिस्कस करेंगे। फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सेल्यूलर प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ सब्सटेंसेज एंड पिंचेज ऑफ टू फॉर्म अ पार्टिकल कंटेनिंग वैक्यूल। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये सेल्यूलर प्रोसेस है इंजेशन की, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंस को एनगल्फ करती है और पिंचेज ऑफ करती है पार्टिकल्स को, जिनमें की वैक्यूल्स होती हैं। लाइसोसोम में फ्यूज विद फूड फिल्ड वैक्यूल्स। ये लाइसोसोम फ्यूज हो जाते हैं फूड फिल्ड वैक्यूल से एंड देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, और उनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ये फूड को डाइजेस्ट करता है। द फूड वैक्यूल फॉर्म्ड इन दिस वे देन फ्यूजेज विद लाइसोसोम हुज एंजाइम डाइजेस्ट द फूड। और जो फूड वैक्यूल होती है वो फॉर्म हो जाती है इस तरीके से और लाइसोसोम से फ्यूज हो जाती है हुज एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, जिसका जो एंजाइम होता है उसमें वो फूड को डाइजेस्ट करता है। देखिए हम यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। ये लाइसोसोम दिखाया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल और ऊपर लाइसोसोम, देन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं और ये इससे फ्यूज हो रहा है। आप देखिए थर्ड जो है प्रोसेस इसमें फ्यूज हो रहा है। लाइसोसोम में फ्यूज विद फूड फिल्ड वैक्यूल, ये देखिए अगेन बता रहे हैं, एंड देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये फूड डाइजेस्ट करता है। द फूड वैक्यूल फॉर्म्ड इन दिस वे देन फ्यूज विद द लाइसोसोम हुज एंजाइम डाइजेस्ट द फूड। एग्जाम्पल अमीबा एंड मैनी अदर प्रोटीज ईट द एनगल्फिंग स्मॉलर ऑर्गेनिज्म और अदर फूड प्रैक्टिसली द प्रोसेस ऑफ फेगोसोम्स। ये जो अमीबा या और प्रोटिस्ट हैं इन सब में फेगोसाइटोसिस द्वारा ये क्रिया होती है। सम ह्यूमन सेल्स ऑल्सो कैरी आउट फेगोसाइटोसिस, कुछ ह्यूमन सेल्स में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। अमंग देम आर मैक्रोफेजेज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प डिफेंड द बॉडी बाय एनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, कभी कभी जब चोट लग जाती है तो वहाँ WBC आ जाती हैं, WBC जो उस जगह होती हैं, तो यहाँ ये लाइसोसोमल एक्टिविटी फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, ये बैक्टीरियाज को खा लेते हैं जिससे कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ह्यूमन बॉडी सही रहती है। देन ऑटोफेगी। लाइसोसोम ऑल्सो प्ले अ की रोल इन ऑर्गेनल turnover that it is the regulated destruction of the cell own organelle and their replacement. autophagy means ये खुद के organelle को digest कर लेते हैं, तो lysosome इसमें एक important role play करता है, ये regulate करता है destruction को खुद की cell organelle से। lysosome also use enzyme to recycle the cell own organelle ऑर्गेनिक मटीरियल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेगी। लाइसोसोम एंजाइम यूज करता है जो सेल को रिसाइकिल करने में खुद के ऑर्गेन को, और मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोसेस के लिए एंजाइम रिलीज करता है, ये प्रोसेस कहलाती है ऑटोफेगी। लाइसोसोम में एनगल्फ अदर सेलुलर ऑर्गेनल, लाइसोसोम और जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं इनको एनगल्फ कर लेता है और अ पार्ट ऑफ साइटोसोल डाइजेस्ट देम, और साइटोसोल के कुछ पार्ट को भी डाइजेस्ट कर लेता है। रिजल्टिंग मोनोमर्स आर रिलीज इनटू द साइटोसोल वेयर दे कैन बी रिसाइकल इनटू न्यू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं तो कुछ मोनोमर्स रिलीज हो जाते हैं साइटोसोल में, जो कि आगे रिसाइकिल करने का काम करते हैं। A human liver cell, for example, recycle half of its macromolecule each week.
ये इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा ह्यूमन लिवर सेल का है। आप देखिए यहाँ परऑक्सीसोम दिए हुए हैं, वेसाइकल है, लाइसोसोम इससे आके फ्यूज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन इसका डाइजेशन दिखाया गया है। समटाइम्स सेल नीड टू डाई एपोप्टोसिस, कभी कभी सेल की जरूरत होती है डाई करने की, एपोप्टोसिस कहलाता है ये। एपोप्टोसिस इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डिस्ट्रक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोग्राम है जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये हमने बहुत आम एग्जाम्पल देखा है, आपको ध्यान आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलपमेंट, और ये प्रोसेस कहाँ इम्पॉर्टेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस में और डेवलपमेंट में। लाइसोसोम कैन बी यूज टू किल सेल्स वेन दे आर सपोज टू बी डिस्ट्रॉयड, जब कोई सेल डिस्ट्रॉय होने वाली होती है तो उसमें लाइसोसोम उसको किल कर देता है। सम सेल्स हैव टू डाई फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, और कुछ सेल डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं, और कुछ का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे होता है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। व्हेन अ टेडपोल बिकम अ फ्रॉग, जब टेडपोल से फ्रॉग बनता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट अवे द सेल ऑफ द टेल एंड टेल गेट्स रीअब्सॉर्ब। आपने देखा टेडपोल में कितनी लॉन्ग टेल होती है, और जब फ्रॉग बनता है एडल्ट तो उसमें टेल नहीं होती, तो ये टेल को रीअब्सॉर्ब करने का काम लाइसोसोम करता है। द फिंगर्स ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रियो आर एट फर्स्ट वेब्ड बट दे आर फ्री फ्रॉम वन अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसमें जो सेल्स होती, सॉरी उसमें फिंगर्स होती हैं, वो वेब्ड होती हैं, उनके बीच में जाल होता है, लेकिन जब बाद में हम देखते हैं डेवलपमेंट के बाद में तो उनमें कोई वेब नहीं होता, तो इसको डाइजेस्ट करने का या डिग्रेड करने का काम लाइसोसोम करता है। इन केस ऑफ प्लांट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट सेल ऑटो डिस्ट्रक्ट एंड इवन सेल अराउंड इट टू वॉल ऑफ वायरस, प्लांट्स में भी ये ऑटो डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, जैसे ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स, जब उसमें लीव्स में ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। इफ़ सेल्स ग्रोज इम्प्रॉपरली, यदि सेल का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, इम्प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड टू रिमूव डैमेज सेल, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मेथड है उससे मैकेनिज्म से लाइसोसोम उस सेल को डैमेज सेल को ट्रिगर कर देता है जिससे कि बाकी प्लांट बच जाता है। कैंसर ओवरराइड्स दिस इज सो इनेबल ट्यूमर ग्रोथ, देयर आर सेंसर्स इन द सेल दैट मॉनिटर ग्रोथ, सेल में जो सेंसर्स होते हैं वो ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, दे ट्रिगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन द सेंस प्रोसेस, और वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ऐसे जब कुछ होता है डिजीज तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं। दीज ऑल शोज फीडबैक मैकेनिज्म, और ये सब क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी एन ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ऑटोफेगोसोम, जब ऑटोफेगी प्रोसेस होती है तो उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सराउंडेड हो जाते हैं डबल मेम्ब्रेन से और ऑटोफेगोसोम बन जाते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन देन फ्यूज विद अ लाइसोसोम टू प्रोड्यूस एन ऑटोफेगोसोम, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये लाइसोसोम से फ्यूज हो जाती है, ऑटोफेगोसोम प्रोड्यूस करती है, इन विच एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल इज डिग्रेडेड एंड द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल इन द सेल। इफ अ सेल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट, यदि एक सेल में न्यूट्रिएंट नहीं होते, अ मार्क्ड इंक्रीज इन ऑटोफेगी इज ऑब्जर्व, सेल में से न्यूट्रिएंट खत्म हो गए हैं और ये ऑटोफेगी उसमें इंक्रीज हो रही है, अंडर दीज कंडीशन द सेल एक्वायर्स एनर्जी टू मेंटेन इट्स लाइफ बाय कैनिबलाइजिंग इट्स ओन ऑर्गेनल, तो ये फिर ऐसी स्थिति में अपने खुद के ऑर्गन से कैनिबलाइजिंग से एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन रिसेंट ईयर ऑटोफेगी हैज ऑल्सो बीन शोन टू हेल्प प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इंट्रासेलुलर थ्रेट्स रेंजिंग फ्रॉम एबनॉर्मल प्रोटीन एग्रीगेट्स इनवेडिंग बैक्टीरिया। रिसेंट ईयर में हमने देखा है कि ये इंट्रासेलुलर थ्रेट से और
एबनॉर्मल प्रोटीन एग्रीगेट से भी बैक्टीरिया से इन्वेड करने में भी ऑटोफेगी हेल्पफुल होती है। इफ़ ऑटोफेगी इज ब्लॉक्ड इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द ब्रेन ऑफ अ लेबोरेटरी एनिमल द रीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंसेस मैसिव लॉस ऑफ नर्व सेल। These findings reveals the importance of autophagy in protecting the brain cell from continuous damage to proteins and organelles that is experienced by these long-lived cells. Once the digestive process in autophagosome has been completed, the organelle is termed residual body. जब digestive system process complete हो जाती है तो उसके बाद ये organelle कैसे term, क्या term कहलाती है? Residual body. Depending on the type of cell content of the residual body may be eliminated from the cell exocytosis or they may be retained within the cytoplasm indefinitely lipofuscin granule. ये दो तरह से होती है, या तो अलग हो जाती है exocytosis के द्वारा या फिर lipofuscin granule के form में body में ही रहती है. Lipofuscin granules increase the number of an individual becomes older. Accumulation is particularly evident in long-lived cells such as neurons, where these granules are considered a major characteristic of aging process. Then diagram देखते हैं, ये steps involved होते हैं autophagy pathway में. देखिए यहाँ पर mitochondria है, forming autophag, then lysosome इससे आकर attach हो रहा है, autophagosomes बन रहे हैं. देन रेसिडुअल बॉडी जो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, रेसिडुअल बॉडी एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, और कुछ ये लाइपोफ्यूसिन जो कि हमेशा उसमें रहते हैं. अब हम स्टडी करेंगे, अब तक हमने लाइसोसोम स्टडी किया. माइक्रोबॉडीज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ड्यूड्यू एंड कोवर्कर इन 1966. डी ड्यूवे ने और कोवर्कर ने 1966 में इनको पहले देखा. आइसोलेट फ्रॉम लिवर सेल, माइक्रोबॉडीज को इन्होंने लिवर सेल से आइसोलेट किया. तीजा सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल और ओवल इन शेप, या तो गोल होती है या अंडाकार होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं. साइज 0.2 माइक्रोम्यू टू 1.5 माइक्रोम्यू, फिल्ड विद डेंस मैट्रिक्स. साइज इनका 0.2 से 1.5 होता है और इनके अंदर डेंस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है. परमेबल फॉर एमिनो एसिड्स, यूरिक एसिड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. और ये एमिनो एसिड, यूरिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के लिए परमेबल होती हैं. देन फंक्शंस, इनके फंक्शंस हैं कलेक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फर्मेंट्स. स्पेशल टाइप के फर्मेंट का कलेक्शन करती हैं ये. रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन, और बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम भी करती हैं. इस तरह से हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा और माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ा. थैंक यू.